हेलो स्टूडेंट्स अपना जो टॉपिक चल रहा है ऑपरेटर ओवरलोडिंग अच्छा वो अंदर बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोड करा बाइनरी ओप सो ऑपरेटर है जिन्होंने एक्सैस कर आप ओपरेंट्स की लड़ है जिमें कि अपने अर्थमैटिक ओपरेटर रिलेशनल ओपरेटर असाइनमेंट ओपरेटर तो ये आप गल करा अर्थमैटिक ओपरेटर द अर्थमैटिक ओपरेटर अंदर अपने कल ओपरेटर आ जाते हैं प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई आपूँ अज ओवरलोड कर मैथड करा हूँ देखो आ एक बहुत ही सिंपल जहा प्रोग्राम बना रखे है इस नो समझ तो पहला तो नो दो कॉन्सैप्ट ऑब्जेक्ट एज पैरामीटर एंड फंक्शन रिटर्निंग ऑब्जैक्ट जोड़े है वो दोनों क्लीयर होने चाहिए है जो तो तू कोई डाउट है तो मैं पूछ सकते हो या अपने पहला डिस्कस किए हुए मटीरियल जो उन्होंने रीड कर सकते हो हूँ देखो इस प्रोग्राम को बनाने फस्ट इन ऑल आप गल करते हैं अपनी क्लास की तो सब तो पहला अपनी क्लास क्रिएट करा आप क्लास के पब्लिक सैक्शन के अंदर अपना एक वेरीएबल लिया ए उस वेरीएबल दे क्लास के अंदर आपका एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया अपने इस वेरीएबल इनिशियलाइज करवाने वास्ते दैन आप इतने ओबजेक्ट अपना ओपरेटर ओवरलोड करा तो देखो कि इतने बाइनरी ओपरेटर ओवरलोड कर रहे हैं बाइनरी ओपरेटर मतलब कि जिद ओपरेंट हो गल कर रहे हैं, प्लस ओपरेटर की पलस ओपरेटर मीनस की वह दो चीज़ों प्लस करेगा इट मीन अपने कोबजेक्ट होगा जिम्मे सपोज़ करो कि आप ए वन और ए टू का सम करना है तो दो ऑबजैक्ट एक ऑब्जेक्ट तो जो आप किसी क्लास के किसी फंक्शन कोल करते हैं तो आपू ओबजेक्ट नाल ही कॉल करते हैं मान लो आप ए वन कॉल कर रहे बट दूसरा जोड़ा कंटेंट ऐड करना है, दूसरा ओबजेक्ट अपना ए टूनू भी तो अपनी क्लास के अंदर लेके जाना पेगा तो इतने अपने को है कि बाइनरी के केस आप दो पैरामीटर ना पास करके एक ही पैरामीटर क्यों पास करते हैं इस चीज़ को दोबारा सुनो देखो जो आप क्लास के फंक्शन कोल करते हैं क्लास का कोई भी कॉन्टेंट बिना ओबजेक्ट कोल नहीं हो सकता गा जो आपू कॉल करना है एक ओबजेक्ट आपू कॉल कराने चाहिए तो एक ओबजेक्ट तो अपना जो आप करा तो उदो ही पास हो गया सैकेंड जोड़ा ओबजेक्ट है वो आपको एज ए पैरामीटर पास करना पेगा आप जो सम करना मान लो दो ऑबजैक्ट ए वन प्लस ए टू करना है तो ए वन अपना एज अपने फंक्शन कोल कर रहे हैं ए टू अपना आप ए पैरामीटर लगे जावे एमें मर्जी कर सकते हैं अपनी मर्जी है कि आप ए टू फंक्शन कॉल कर लीए प्लस ऑपरेटर ओवरलोडिंग ए टू ए वन एज ए पैरामीटर पास कर दीए या ए टू कोल करके ए वन एज ए पैरामीटर पास कर दीए कोई फर्क नहीं पैदा सैकेंड थिंग अपने को आती है कि जो तो आप प्लस करा जिमेंो आप ए वन प्लस ए टू करता तो समा किसी असाइन भी तो करवाँगे दोनों ओबजेक्ट न जोड़कर आप तीसरे ओब्जैक्ट देना है तो तीसरे ओब्जेक्ट को देने जो अपना फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा आप ही उन्होंने देवे तो इतने अपना रिटर्न टाइप भी होएगा तो रिटर्न टाइप आप क्लास टाइप का ही लवेंगे ताकि आपबजेक्ट के अंदर पा सकी अपनी ये तीनों चीजा सेम हो जिस कलास के ओबजेक्ट ना आप कर रहे हैं उस क्लास का ओबजेक्ट आपज ए पैरामीटर पास करा उस क्लास के ओबजेक्ट न ओबजेक्ट आपज ए पैरामीटर पास करा तो हूँ अपने को कोई है कि ये अंदर आपको वर्किंग की करनी है जो आप ऑबजेक्ट तो रिटर्न करवाना है ऐड करके जिद वैल्यू पानी है वह वास्ते अपन एक ओबजेक्ट लाना पेगा आपे ओबजेक्ट ले थ्री हूँ आप टू अपने को आया तो ए वन तो अपना ओबजेक्ट ना आया तो ए तो आप डायरैक्ट ही यूज़ कर सोना सम करके ए थ्री पा देंगे तो ए थ्री रिटर्न करा देंगे इस चीज़ को मैं दोबारा रिपीट कर दी हाँ देखो जो आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करा मान लो इतने आ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं ए बी सन जिमें आप ए वन क्रिएट किया अपना कंसटक्टर को कंसटक के अंदर आप कि एन स्कैन करा दें हूँ इतने ए स्कैन हो रहा है दा। ए वन का इट मीन जेड ओबजेक्ट ना क्लास गए सी ऑब्जेक्ट आप देने की लड़ नहीं अपने आप पिक कर लेगा तो ए इन्हने अपने आप चक लिया तो इत है वन का ए अपने आप बन गया क्लीयर ਹੁਣ ਸੇਮ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ a3 a plus a1 plus a2 ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਐਂਟਰ ਕੀਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਬਜੈਕਟ ਆਪਾਂ a2 ਚ ਪਾਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ a2 ਦਾ a ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਵਾਂਗੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ a ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਐਕਸੈਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ a3 ਦੇ a ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ a3 ਦੇ a ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ पहला A1 की था। A1 कंस्ट्रक्टर होया। एंटर ए वन ओबजेक्ट क्रिएट किया ए वन कंसट्रक्टर को नंबर स्टेटमेंट आई आप एंटर नंबर करवाता फोर दैन बी नाल सेम प्रोसीजर होगा कंसट्रक्टर को बीच आपको स्कैन करवाता थ्री उस तो बाद आप जो ए थ्री प्लस ए वन ए वन प्लस ए टू किया अपने ओपरेटर कॉल करेगा दोनों का सम करके ए थ्री पाएगा तो ए थ्री रिटर्न करता जो आके अपने मेन ए थ्री पै गया जो हम आप शो कॉल करा तो यह अपना ए थ्री का कोल करेगा ए जड़ा कि आप करके असाइन करवाया जिमें आप पहला डिस्कस किया कि जे अपने कोबल होंगे ए बी और सी आप तिना स्कैन करवा सकते सी C, इन A, B, सी इन ए बी और सी तिना ही इतने अपना सम सकते सी ए थ्री डॉट ए इक्वल ए टू प्लस ए प्लस ए ए थ्री डॉट बी इक्वल ए थ्री डॉट ए प्लस ए थ्री सॉरी ए थ्री डॉट बी इक्वल ए टू डॉट बी प्लस बीते इदा ही आप सकते सी तो इन्हें अपने तीनों के तीनों वेरीएबल जोड़े है वो कट्ठे ऐड कर देने से हूँ ये अपने अर्थमैटिक ओपरेटर जेना सारियां जो प्रोसीजर है वो सेम है जिमें आप प्लस ओपरेटर ओवरलोड किया उदा ही आप माइनस न कर सकते हैं ये ध्यान रखो कि तुम्हें माइनस ओपरेटर ओवरलोड करना है तो हर जगह पर तुम माइनस सिंबल ही यूज़ करोंगे ओवरलोडिंग टाइम आप माइनस लगावे जो आप ए थ्री डॉट ए इक्वल ए uh, टू डॉट ए माइनस ए लिखा जो आप uh, अपने मेन के अंदर एक्सैस करना उदो भी आप थ्री इकुल ए वन माइनस टू लिखा तो ये की करेगा दोनों की वैल्यूज़ का माइनस करके आपू प्रिंट कर देगा एदा ही आपकेशन और डिवाइड भी कर सकते हैं ओके बच्चों थैंक यू